फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, मर्दे कामिल ने जगाया हिंद को फिर ख्वाब से, जय हिंद। इस 17 साबका प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी च लिखिया ने, जिन्हां ने ये चिट्ठी पंजाब वासियां दे नाम लिखी है, उन्हां पंजाबी वोटरां नूं लिखी है जो देश दा भविख बदलन जा रहे ने। दस दिए कि साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब दे लोकां नाल चिट्ठी राही गल्लां सांझियां कीतियां ने, ते नाल ही उन्हां ने अपील कीती है कि इस बार वोटां दे विच खास ध्यान रख्या जाए। मनमोहन सिंह दा कहना है कि संविधान दी रख्या ते तानाशाही शासन नूं खत्म करन दा ए आखरी मौका है। बीजेपी ने पंजाब, पंजाबियां ते पंजाबियत नूं नुकसान पहुंचाया है। नाल ही उन्हां ने अंदोलन दी वी गल कीती। किसान अंदोलन च उन्हां दा कहना है कि 750 किसान शहीद हो गए सन। किसानां नूं सरकार ने अंदोलन जीवी ते परिजीवी कहा सी। किसानां दी आमदन दुगनी नहीं बल्कि होर घट गई है। साडे किसान परिवारां दी बचत नूं तबाह कर दिता है ते उन्हां नूं हाशिए ते छड्ड दिता है। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी दे फैसले नूं भी गलत दस्सिया है। दस दिए कि मनमोहन सिंह दे वल्लों पंजाब वासियां दे नाम ते एक चिट्ठी लिखी गई है, जिस विच उन्हां ने पंजाब दे हालातां नूं बयान करदिआं होइआं वोटरां नूं अपील कीती है कि इस बार उह वोट दा इस्तेमाल सोच समझ के करन, क्योंकि उन्हां कोल इह आखरी मौका है। देश दा भविख बदलेगा जेकर वोटर चाहुण तां। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, मर्दे कामिल ने जगाया हिंद को फिर ख्वाब से, जय हिंद। इस 17 साबका प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी च लिखिया ने, जिन्हां ने ये चिट्ठी पंजाब वासियां दे नाम लिखी है, उन्हां पंजाबी वोटरां नूं लिखी है जो देश दा भविख बदलन जा रहे ने। दस दिए कि साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब दे लोकां नाल चिट्ठी राही गल्लां सांझियां कीतियां ने, ते नाल ही उन्हां ने अपील कीती है कि इस बार वोटां दे विच खास ध्यान रख्या जाए। मनमोहन सिंह दा कहना है कि संविधान दी रख्या ते तानाशाही शासन नूं खत्म करन दा ए आखरी मौका है। बीजेपी ने पंजाब, पंजाबियां ते पंजाबियत नूं नुकसान पहुंचाया है। नाल ही उन्हां ने अंदोलन दी वी गल कीती। किसान अंदोलन च उन्हां दा कहना है कि 750 किसान शहीद हो गए सन। किसानां नूं सरकार ने अंदोलन जीवी ते परिजीवी कहा सी। किसानां दी आमदन दुगनी नहीं बल्कि होर घट गई है। साडे किसान परिवारां दी बचत नूं तबाह कर दिता है ते उन्हां नूं हाशिए ते छड्ड दिता है। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी दे फैसले नूं भी गलत दस्सिया है। दस दिए कि मनमोहन सिंह दे वल्लों पंजाब वासियां दे नाम ते एक चिट्ठी लिखी गई है, जिस विच उन्हां ने पंजाब दे हालातां नूं बयान करदिआं होइआं वोटरां नूं अपील कीती है कि इस बार उह वोट दा इस्तेमाल सोच समझ के करन, क्योंकि उन्हां कोल इह आखरी मौका है। देश दा भविख बदलेगा जेकर वोटर चाहुण तां।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।